की सास भी कभी बहू थी। ऐसे ही करती है ना वो। ये व्लॉग होने वाला है हमारा होम टूर के बारे में, जो कि मैं और आपकी भाभी आपको देने वाले हैं थोड़ी ही देर के अंदर, है ना। अभी हमने जो है उमेर को बुलाया ऊपर और वो ऐसे कैमरा पकड़ेगा, हाँ ऐसे पकड़ेगा, और हम आपको साथ ही साथ इस घर का टूर देंगे अच्छा वाला। तो चलो शुरू करते हैं व्लॉग। शुरू करने से पहले, मतलब होम टूर शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप पहले जाके इस घर का पहले वाला पार्ट देखें, मतलब पहले ये घर कैसा था, पुराना घर कैसा था और अब मैंने कैसे बनाया है, तो पहले वो क्लिप देखें आप, उसके बाद फिर मैं ये होम टूर स्टार्ट करूँ। ऐसे ही करती है ना वो। स्टार प्लस अभी है नहीं तो अब कॉपीराइट आने का कोई इशू भी नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये है हमारे घर का हॉल, हमारी डाइनिंग टेबल इधर जो हमने रखी है खाना खाने के लिए। अच्छा डाइनिंग टेबल लोग काफी चीजों के लिए रखते हैं, सामान वामान के लिए, लेकिन हमने खाना खाने के लिए रखी है। आने वाले वक्त में शायद हमने ना रूल्स बनाए कि हम यही खाना खाते हैं। और हम यही खाते हैं। हर पूरे घर में कुछ ना कुछ रूल्स हैं हमारे। अभी जो सीन है वो ये है कि आज हम आपको देंगे पूरे घर का टूर और आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई और क्या चीज़ कम पसंद आई। पूरा जो घर है वो बड़ी मेहनत से और बड़ी मुशक्कत से बना है, इनको भी लेना है। तो पूरा घर बड़ी मुशक्कत से और बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने, ईद के 3 दिन भी काम किया है। एक कमेंट करना लाजमी, ठीक है। हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा, ये हमारा फ्रिज जो कि मेरी अम्मा ने मुझे मेरे साइज का दिया है। अच्छा हम ना थोड़ा सा बड़ा ले रहे थे फ्रिज, तो जब मैं शॉप पे गई मैं ऐसे करके खोल रही थी तो दुकान वाले ने भी मुझे कहा कि बात सुने, इनके साइज का फ्रिज है, तो ये फ्रिज मेरे साइज का है। उसके बाद आते हैं, ये मेरी जगह है तो उसका होम टूर मैं कराऊंगी। ये है मेरा किचन। अच्छा जी इधर आइए आप। ये किचन पे शेल्फ बने, लेकिन फायदा नहीं, मेरा हाथ इससे ऊपर जाता नहीं है। ये हमारा ओवन है, ये कुछ कवर्ड्स हैं। उमर ने ऊपर कवर जिसके लगाए, उमर को पता था बीवी छोटी है, ऊपर हाथ नहीं जाएगा। ओके तो ये चूल्हा है जहाँ आपने देखा कि गैस बंद थी लास्ट ब्लॉग में। ये कुछ कैबिनेट्स हैं बट इनका फायदा नहीं है, हाथ नहीं जाता। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन है बस। इसके बाद हम आते हैं, मेरी बारी है। ये उमर ये हमारा, मतलब बेसिकली ये बेडरूम है। ये जो घर है हमारा ये 2 BHK है, मतलब 2 बेडरूम, एक किचन और एक हॉल। सो इसको मैंने जो बनाया है वो है ये मेरा स्टूडियो, मतलब यूट्यूब के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ सोशल मीडिया के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने ना एक VIP सा स्टूडियो बनाऊँगा, सेक्सी सा, जो आप देखोगे थोड़े ही वक्त में, शायद 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो ये है मेरी विंडो। अच्छा यहाँ पे मत देखना, ये सारा कलर वगैरह जो पड़ा हुआ है वो इस घर में जो हुआ है वो सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया था, क्योंकि इस घर में स्टोर रूम नहीं है तो हमने यहाँ स्टोर कर दिया सब। अच्छा ये खिड़की है हमारी, यहाँ पे दिखाओ वो वाला जो घर दिख रहा है उस तरफ, ये वाला जो घर दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरा पुराना घर है, वो उबेर भी खड़ा हुआ है मेरा छोटा भाई। सो वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मतलब हम एक ही कंपाउंड में हैं, मेरी मम्मा का घर वहाँ है और मेरा घर यहाँ है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ जो सामान वगैरह पड़ा हो उसने अभी इस रूम को स्टार्ट नहीं किया है, सेट नहीं किया है, तो अभी रखें सामान।
और ये हमारा प्यारा सा नाम। हाँ ये तो मैंने बताया ही। और ये वॉल, ये मेरे शोहर ने वॉल तैयार करी है, ये मैंने तैयार करी है, बहुत मेहनत। और ये इस पे कोई मतलब ना, तीन बार इस वॉल का मैंने डिजाइन चेंज किया है। वो क्यों? क्योंकि मतलब पहले जो डिजाइन बनाया था वो इतना खास नहीं था, शायद पिक्चर होगी मेरे पास वो मैं लगा दूंगा। और ये फिर दूसरी बार जब मैंने बनाया था तो ये वाला रिजल्ट आया था, और ये मुझे भी पसंद आया था और एमन को भी पसंद आया था। बहुत मेहनत की उमर ने, बहुत ज्यादा मेहनत की। अभी हम बेडरूम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे अभी, हम बाहर जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, कहने आप इसको ड्राइंग रूम हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बाहर का इधर करो एक गेट है कि कोई भी अगर गेस्ट आए तो वो बाहर से डाइनिंग करो और यहीं से वो बाहर जाए। बाहर जाते हुए ज्यादा अच्छा लगेगा, अंदर आते हुए नहीं, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, और ये हमारे सोफे हैं। अच्छा, कलर्स में सोफे में ये हुआ था कि वॉल पे ब्लू कलर करना था, बट वो वाला कलर आया नहीं, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद शायद हम चेंज करके सोफा वाला कलर कर देंगे, ठीक है। और ये जो सोफा है हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि ये भी दिखाओ कि ये सोफा कम बेड है, ये सोफा कम बेड है। ये जब मेरी बीवी मुझे लात मार के कमरे से बाहर निकाल देगी बेडरूम से तो मैं यहाँ सोऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी उसके उसके जो पीछे है ना वो थोड़ा सा यू नो बसड़ मशीन है, तो वो हम दिखा नहीं सकते जो अभी यहाँ बर्तनों का डब्बा है वो है। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं अपना बेडरूम, हमने बड़े दिल से और बड़ी मुशक्कत से बनाया है, तो हमने बड़ा सोच समझ के और डिसाइड करके प्लानिंग करके इसको तैयार किया। वैसे तो पूरे घर को किया है बट बेडरूम पे हमने ज्यादा फोकस था, बहुत ज्यादा फोकस था और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी। तो आप दिखाते हैं। सो यहाँ से एंटर होते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। ये हमारा आलीशान सा बेड आप देख सकते हैं, ये इस हाथ में टैडी भी है। ये टैडी मैंने अमन को गिफ्ट किया था, हाँ, तो मैं कजन है अजवा, उसकी बर्थडे पे उसके लिए तो भी लिया था, तो फिर अमन के लिए भी मैंने ले ली क्योंकि ये भी मेरी बच्ची से और मैंने ना ये घर में कभी अच्छा भी बच्ची लगाई हुई है मेरी, फिलहाल बच्ची अभी दूसरी। अच्छा, तो ये हमारा बेडरूम है। हाँ। ये साइड टेबल्स हैं, वो वाला साइड मेरा है, ये वाला साइड अमर का है, और ये साइड उमर ने पहले से डिसाइड कर दिए थे। हाँ। उसके बाद वो क्यों अच्छा उसकी भी एक कहानी है। हाँ, बहुत चिटिंग करी है उमर ने अपनी तरफ, स्विच लगाया है यहाँ पे, सॉकेट है ना, तो यहाँ से मैं आराम से मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ, वहाँ पे है नहीं, तो मैंने बोला वो साइड में बोला कि मेरे फोन में चार्जिंग है मुझे ये साइड दे दो, तो उमर ने नहीं। अच्छा इधर आ जाओ। ये है हमारी अच्छी सी अलमारी, कबर्ड जिसको बोलते हैं। अच्छा अब इसको खोल नहीं सकता मैं क्योंकि, अच्छा मैं अपना वाला खोल लेता हूँ क्योंकि मेरा वाला बिल्कुल समेटा हुआ पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई मेरा वाला भी समेटा हुआ, आपका वाला मैंने समेटा है। ओ सॉरी सॉरी, ये देखें, ये हाय हाय हाय, ये मेरे वलीमे का सूट है, ये मेरे मेहंदी का, और ये एमन वाली मेहंदी का, ये उबेद की मंगनी का, ये किसी की शादी का, और ये मेरे निकाह का। तो अच्छा हमारे साथ ना एक मजे की चीज होती है, स्लाइड अलमारी। हाँ। है ना, तो ये वाले जो होता है ना ये आगे पीछे, ये डोर जो है ना ये बीच में रहता है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं जब अमन अपनी अलमारी खोलती है तो अमन उधर कर देती है जब मैं अपनी अलमारी खोलती हूं तो मैं इधर कर देता हूं, और उसके बाद ये मिक्स हो जाते हैं, बाद में होती है अजीब सा क्या लगता है, तो वो ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन खैर हमें आदत पड़ गई है इस चीज की। अच्छा अब इस तरफ आयो भाई, इस तरफ है हमारी ड्रेसिंग, प्यारी सी ड्रेसिंग, मतलब मेरी नहीं है, एमन की है, तो सब कुछ मेरी, सब कुछ मेरी। हाँ, तो ये एमन बताएगी हमारी प्यारी सी ड्रेसिंग। सबसे पहले तो ये मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला सूट बहुत फेवरेट है मेरा। उसके बाद ये वाले ड्रॉल मेरे हैं, ये उमर के हैं, और ये सब चीजें उमर ने बहुत पहले से डिसाइड कर दी थी कि मैं ये वाला लूंगा, क्योंकि एमन के आने से पहले ही मैंने घर सेट कर लिया था, और सारे साइज अपनी मर्जी के उमर ने खुद लिए थे। ये उम्र की बड़ी प्यारी सी पिक्चर है जो मेरे घर पे लगी हुई थी और मैं निकाल के लाई हूँ। बाकी ये कुछ हमारी चीज़ें हैं, सनब्लॉक वगैरह, परफ्यूम स्प्रे, तो ये हमने सी बाहर रखे हैं। और ये है हमारी विंडो, प्यारी सी विंडो नहीं बिल्कुल प्यारी चलो आप। और ये ऊपर देखें, ऊपर ऊपर यार ये मुझे बहुत पसंद है, ये स्लाइड पे बड़ा खर्चा गया है मैंने, ये ज्यादा नहीं, मैंने कोई 1500 रुपए की ली है, और ये अच्छी है भाई। कवर्ड है जो पहले यहाँ रहते थे उनकी मेहरबानी है, बट अभी तक इसमें तो मेरा तो हाथ जाते ही नहीं, तो फायदा नहीं। तो खैर अब इधर आ जाए आप, ये हमारी टीवी ट्रॉली और ये हमारी एलसीडी जिसमें मैंने पीसी कनेक्ट किया हुआ है, और अक्सर हम अपने व्लॉग्स इसी पे देखते हैं जो बड़ा मजा आता है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना वो व्लॉग एलसीडी पे या टीवी पे देखा करें क्योंकि उसके ऊपर एक अलग ही मजा आता है। और एड वाले व्यूज वो आएंगे, अच्छा वो आएंगे, आएंगे यहाँ पे भी आएंगे, मोबाइल पे देखोगे वहां पे भी आएंगे, जहाँ देखोगे आएंगे, क्योंकि
बस ठीक है। और ना पता है मेरा शोहर इतना अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी हुई चीज देख के कि उमर ने ड्रेसिंग के साथ ना स्विच लगाया। और मतलब बहुत सारे शोहर नहीं करते हैं ऐसा, बट इनको याद था कि उनकी बेगम ने बाल। मैंने इनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के इस घर को बनाया। मुझे सबसे ज्यादा इस स्विच पे बड़ी खुशी। और ये है हमारा वॉशरूम, आई थिंक साफ, आई थिंक का मतलब। तो और ये हमारा वॉशरूम मैंने बड़ी अच्छी सी लगाई थी, ये मैंने डिसाइड करके। और ये पूरा मतलब बस ठीक है, मतलब मैंने मतलब दिखा दू ना आप लोगों को, बाद में गिला शिकवा नहीं रहा। अच्छा वैसे एक बाथरूम और है लेकिन अभी वो दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि उसमें अभी एमन साहब ने कपड़े वगैरह लटकाए हैं, तो वो अजीब से यार यहाँ बाहर कपड़े हैंग करने की कोई जगह ही नहीं होती, तो मैं बात खिड़की के बाहर हैंग करो भाई, बड़ा अजीब सा लॉजिक लगा मुझे। नहीं है हाँ कोई बात नहीं। तो कैसे लगा आपको हमारा घर? मेरे शोहर की बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। और इसके जो पहले वाला क्लिप था वो आप लोगों ने देखा कि वो कैसा था, और ये बिल्कुल उमर ने चेंज कर दिया। और इस घर में ही मैं हम दोनों घूम जाते हैं दूसरे वाले उमर मतलब आप इतने से घर में ही घूम रहे होते हैं, अभी भी मैं समझू डर गई वो चलेगा घर से। मैं आवाजें दे रहा हूँ तो मैडम सुनती नहीं, ये मुझे आवाजें देती है मैं नहीं सुनता। अभी 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 से इतने से घर में ही हाल है, मैं बाहर के जाके जब बंगला उंगला लूंगा तो क्या करेगी ये, क्या करेगी ये खाली जब क्यों। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि 100 के होने वाले हैं भाई, सो सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने। बाकी इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड कर देते हैं, आप लोगों को होम टूर का ब्लॉग मिल गया, हमने बना दिया, अब इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉग हम कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में क्या करें। वैसे हमने कुछ सोचा हुआ है, उसके बाद वाले व्लॉग फिर आप लोगों ने जो कहे होंगे उस पर कुछ बना देंगे, अभी फिलहाल उस व्लॉग का इंतजार करें आप और इस व्लॉग को एंजॉय करें आप। और माशाल्लाह जरूर बोलिए। बाय बाय।